हेलो स्टूडेंट्स, अब है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या है, जब उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में उस अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। अधिक वृद्धि होती है उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। मान लो साधनों में हमने 50% वृद्धि की, उत्पादन में 50% ज़्यादा वृद्धि होगी तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। इसका रेखा चित्र कैसे बनेगा, ओ एक्स अक्ष पे हम लेंगे श्रम की मात्रा, श्रम साधन की मात्रा, और ओ वाई पे पूंजी साधन, या एक्स वाई साधन भी ले सकते हैं। तो हमने श्रम और पूंजी लिया है। इसमें क्या करना है, आपने पहले जो आइसो कॉस्ट लाइन खींचनी है वो दूरी पे खींचनी है, यानी तीन रेखा तीन लाइनों पे खींचनी है बराबर बराबर हो। फिर दो लाइनों का गैप करना आपने, फिर एक लाइन का गैप करना आपने, फिर आधी लाइन का गैप करना आपने, यानी ये गैप जो है कम करता जाए, और मूल बिंदु से आपने ऐसे रेखा खींचनी है, और यहाँ पे ये कट कर रही है, वहाँ पे आइसोक्वेंट कर्व जो है आपने ड्रा करने हैं। ये IP1, IP2, IP3, IP4, उत्पादन मान लो 100, 200, 300, 400। ये देखो L1, L2, L3, L4, C1, C2, C3, C4। यहाँ इतने साधन थे 100 का उत्पादन। अब साधनों को दुगना नहीं किया, दुगना किया तो इतना गैप होता, दुगने से कम बढ़े हैं लेकिन उत्पादन दुगना हो गया। तो साधन तो कम अनुपात में बढ़ रहे हैं, उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ रहा है, तो ये गैप बढ़ते प्रतिफल में ये गैप कम होता जाएगा। कहने का मतलब साधन को तो हम कम मात्रा में बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्पादन उसी 100-100 की दर से जो है बढ़ रहा है। पहले 100 था, दुगना था, तिगुना, चार गुना हो गया, लेकिन साधन चार गुना नहीं बढ़े। तो उत्पादन मान लो साधनों को 1.5 गुना बढ़ाया, उत्पादन दुगुना हो गया। फिर 2 गुना बढ़ाया तो उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। तो कहने का मतलब जब आप रेखा चित्र बनाओगे, ये गैप इनका आइसो कॉस्ट लाइन का गैप जो है कम करते जाना है, तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होंगे। यहाँ पे RSTU, तो OR ये गैप RS से ज़्यादा है, RS ग्रेटर देन ST ग्रेटर देन TU, तो TU गैप कम है, ये गैप ज़्यादा है, ये कम है। तो इसमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में जो LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है वो गिरती हुई होगी, क्योंकि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ा, तो प्रति इकाई लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें LAC और MAC किस तरह से होगा, XOY, यहाँ पे उत्पादन मात्रा और दूसरी तरफ हम लेंगे LAC और LMC, ये इस तरह से गिरते हुए होंगे। और आपको पता है जो तीव्र गति से गिरता है वो LMC होता है और जो कम गति से वो LAC। इसमें अब तीसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल, घटते प्रतिफल करेंगे। पैमाने के घटते प्रतिफल, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में उस अनुपात से कम वृद्धि होती है, या कम वृद्धि होती है, तो उसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। तो पैमाने के घटते प्रतिफल क्या है कि जब उत्पादन के सभी साधनों में समान एक निश्चित अनुपात में वृद्धि की जाएगी तो उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ेगा। मान लो साधनों को हमने 50% बढ़ाया, उत्पादन केवल 20% ही बढ़ा, 50% से कम बढ़ा, तो इसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका रेखा चित्र कैसे होगा, यहाँ पे पूंजी की मात्रा, यहाँ पे श्रम मात्रा,
इसमें आपने जो गैप लेना है, पहले एक एक लाइन पे गैप लेना है बराबर हो, फिर दो तीसरी लाइन पे, यानी ये गैप आपने बढ़ाते जाना है, फिर इससे भी दूरी पे लेना है, ठीक है। फिर आपने मूल बिंदु से ये रेखा खींचनी है, फिर यहाँ से ये एल वन लेवर एल टू एल थ्री सी वन सी टू सी थ्री, यहाँ से आइसो प्रोडक्ट कर्व खींच देने हैं, आई पी वन आई पी टू आई पी थ्री आर एस टी, ये 100 ये 200 ये 300। तो साधन पहले इतने थे, दुगने से ज़्यादा बढ़े लेकिन उत्पादन दुगना ही बढ़ा, या तिगने से ज़्यादा बढ़े उत्पादन तीन गुने बढ़ा। साधनों में तो ज़्यादा अनुपात में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादन 100-100 के गैप से बढ़ रहा है, तो जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ा, तो इसमें ये जो गैप है ओ आर कम होगा, आर एस उससे ज़्यादा होगा, एस टी उससे ज़्यादा होगा, ओ आर लेस देन आर एस लेस देन एस टी। और इसमें क्या होगा कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ती हुई होंगी, क्योंकि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ा, तो प्रति इकाई जो लागत है खर्चा है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें एल ए सी और एम ए सी क्या होगा, बढ़ता हुआ होगा। तो उसका रेखा चित्र कैसे बनेगा, यहाँ पे उत्पादन मात्रा, यहाँ पे एल ए सी और एम ए सी, ये इस तरह से बढ़ते हुए होंगे। और आपको पता है जो तीव्र गति से बढ़ता है वो एल एम वाला होता है एम सी, और ये एल ए सी। तो स्टूडेंट ये हमने तीनों किए, पैमाने के समता प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। अब इन तीनों का एक एकीकृत रूप है, उसको एक टेबल बनाएंगे और एक रेखा चित्र बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।